नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 जून 2020 के करंट अफेयर्स की इस सीरीज में मैं सचिन गुप्ता आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए किस नाम से रोबोट को लॉन्च किया है। तो कैप्टन अर्जुन नाम से मध्य रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए रोबोट लॉन्च किया है। चलिए इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक स्वयं के अंतरिक्ष स्पेस को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो 2030 तक इसरो ने स्वयं का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस बीमा पॉलिसी को कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल में खर्च को कवर करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी कोविड-19 रोगियों के अस्पताल के खर्च को कवर करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन में सुरक्षा बलों को वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया गया है। तो DRDO संगठन द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित ग्रैंड एनिकट डैम को सिंचाई के लिए खोला गया। तो तमिलनाडु। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट कि ग्रैंड एनिकट डैम को कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। और हाल में ही किस राज्य में स्थित डैम एनिकट डैम को सिंचाई के लिए खोला गया। तो तमिलनाडु के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने GMR के साथ भोगापुरम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए समझौता किया है। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने GMR के साथ भोगापुर के ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे IDBI बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अंशुमान शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है। तो विश्वजीत दास गुप्ता को ऐसा पदभार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का कौन सा देश कोविड-19 मामले में सबसे सुरक्षित देश है। तो स्विट्जरलैंड सबसे सुरक्षित देश अभी तक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया। तो 14 जून को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी। तो सेव ब्लड सेव लाइफ विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम थी। क्या थीम थी। तो सेव ब्लड सेव लाइफ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखते हैं कि किस देश ने चीनी BRI के म्यूजिक मंडली रेलवे प्रोजेक्ट की जांच करने का निर्णय लिया है। तो म्यांमार देश ने चीनी BRI के म्यूजिक मंडली रेलवे प्रोजेक्ट की जांच करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ष 2020 के लिए कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपके और हमारे रियल हीरो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कार्गो इंटरनेशनल द्वारा। तो हाँ, सोनू सूद के लिए कम से कम एक वीडियो जरूर पूरा देखें और हाँ, लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को। चलिए अगली क्वेश्चन है कि किस राज्य में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली IFLO लॉन्च किया गया। तो मुंबई राज्य में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली IFLO लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन है कि किस देश अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की संसद में अपनी राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाने के विधेयक को पारित किया है। तो नेपाल देश फिर से अपना राजनीतिक मानचित्र को बनाने के लिए विधेयक पारित कर चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना बनाने की निर्णय लिया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल योजना बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विभाग के पूर्व प्रमुख सुरीधर कौर का निधन हुआ है। तो प्रकाशन विभाग के पूर्व प्रमुख थे। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस योद्धाओं को सम्मान में रख हौसला हिम्मत ना हार गीत लॉन्च किया है। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने ऐसा एक सॉन्ग लॉन्च किया है। तो आप भी इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा और हम भी सुनेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित मलेशियाई खिलाड़ी ली चोंग वेवी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो बैडमिंटन की ये खिलाड़ी थी मलेशियाई।
अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कश्यप जुमार्ट कोकायव नए राष्ट्रपति बने हैं। और इसी के साथ साथ मेरा ये वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।